चंदन को छुपाते हुए पगड़ी को बांधे। मैथिल कोकिल विद्यापति 15वीं सदी के मूर्धन्य रचनाकार थे, जिसका प्रमाण मिथिलांचल का हर निवासी आज भी है। विद्यापति के विषय में जनश्रुति है कि वे शिव के इतने बड़े भक्त थे कि स्वयं शिव उनके नौकर बनकर सेवा करने आ गए। फिर कवि पत्नी की प्रताड़ना के फलस्वरूप अपने लोक में वापस लौट गए। उषा किरण खान द्वारा लिखित उगना रे मोर कतय गिलाय नाटक इसी कथानक के आसपास घूमता है। नाटक में उगना नामक बालक की तृष्णा वस्तुतः प्रतीक है शिव का, जो बार बार हाथ आते आते छूट जाता है। अशिव में घिरा मनुष्य शिव की तलाश में भटकता रहता है। मिथिला के एक राजा थे जिसके साथ वो रहते थे, किंतु उन्होंने लोगों के दुख दर्द को बहुत लिखा है। राजसी कवि उनको माना जाता है, लेकिन वो राजसी बिल्कुल नहीं थे, वो लोक कवि थे, ऐसा मैंने कहा है। और इतिहास को का शोध करके मैंने उन विषय को उठाया है और वो आज के परिप्रेक्ष्य में वो सही उतरता है। महाकवि विद्यापति बहुआयामी व्यक्तित्व के साहित्यकार रहे। जाहिर है किसी भी कलाकार के लिए उनके चरित्र को दर्शाना इतना आसान नहीं। मेरी पूरी कोशिश थी, मेरी शिद्दत थी, मेरी ईमानदारी थी और कुछ 14वीं शताब्दी के पीरियड को पकड़ना, उसको फील करना और फिर उसको जीना, ठीक है, एक कोशिश थी, अच्छी कोशिश थी, एक सार्थक प्रयास कहा जा सकता है इसको। भारतीय रंग महोत्सव के तहत पिछले दिनों श्रीराम सेंटर दिल्ली में इस नाटक का मंचन किया गया। संजय उपाध्याय द्वारा निर्देशित उगना रे मोर कतय गिलाय कई मायनों में विशिष्ट प्रस्तुति है। इसमें जिस तरह मिथिलांचल के रचनाकार बाबा नागार्जुन, राजकमल चौधरी और फणीश्वरनाथ रेणु को जिस प्रकार बतौर सूत्रधार पेश करते हुए जो ताने बाने बुने हैं, वो बेहद दिलचस्प है। सरहिंद दीदीवार, ये महज नाटक है, ये तो एक जीती जागती सच्चाई है जिसे इस रूप में सामने लाया जा रहा है। वो कुर्बानी जो सिख पंथ के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने मुगलिया सल्तनत से जंग करते हुए दी। ये नाटक उन महान गुरु पुत्रों की शहादत को दर्शा रहा है। ज्यादा तो 1705 में जो ट्रेजिडी हुई थी उसको लिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने उस वक्त की हुकूमत सल्तनत मुगलिया उनको दिखाया है कि वो किसी डर से भय से लोगों पर तशद्दद कर रहे थे, और ये भी दिखाया है कि उनको खुद नहीं पता कि वो इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के फिक्की सभागार में आयोजित इस नाटक को बहुत सहज ढंग से मंचित किया गया। उस वक्त के मुगल शहंशाह औरंगजेब ने किस प्रकार बिना सोचे समझे पंजाब के लोगों पर अपने अत्याचार तोड़े थे, ये उसी ऐतिहासिक घटना का एक तथ्य है। क्योंकि सबसे बड़ी ट्रेजेडी वेस्टर्न थिएटर के साथ मिलती है ये, इसमें चीख चहाड़ा सा नहीं है, शोर नहीं है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो किस्मत करवा रही है, और किस्मत किसकी करवा रही है? जो मार रहा है वो भी नहीं जानता था, जो मर रहे हैं वो भी नहीं जानता था, लेकिन इस घटना को कोई रोक नहीं सका। ये मजहबों से ताल्लुक नहीं रखती, नस्ले इंसानी से ताल्लुक रखती है। सिख पंथ के त्रिशताब्दी समारोह को ध्यान में रखते हुए ये नाटक इस कौम की शहादत को एक बार पुनः जीवित करता है। प्राण जाए पर वचन न जाए की पृष्ठभूमि पर आधारित सरहिंद दीदीवार अत्याचार और झूठ के खिलाफ सत्य और समर्पण की भावना को उभार कर सामने लाता है।